नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज बीएसएनएल कानपुर में 14 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक की अवधि में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में आज श्री मनीष कुमार प्रधान महाप्रबंधक द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन समारोह की शुरुआत सभागार कक्ष दक्षम तल दूरसंचार भवन माल रोड में की गई, जिसमें सभी वक्ताओं ने हिंदी मातृभाषा को अधिक से अधिक उपयोग में लाने की बात कही। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से श्री एस के पाठक, श्री एस के सिंह, श्री मुकेश सिंह, श्री कुलदीप सिंह, श्री रविंद्र मिश्रा, श्रीमती पूजा सिंह, श्री अतुल कुमार, श्री कैलाश गुप्ता आदि लोगों ने भाग लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट कानपुर से। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मिश्रा, प्रभारी राजभाषा बीएसएनएल कानपुर कार्यालय से हूँ। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्ष 2022 में हमारे बीएसएनएल कानपुर का जो कैंपस है, इसमें हम लोग हिंदी पखवाड़े का आयोजन कर रहे हैं। हमारे अधीनस्थ जितने भी यहाँ पर कानपुर परिक्षेत्र में जो कार्यालय आते हैं, उन सभी को हम अधिक से अधिक हिंदी के संवर्धन के लिए कार्य करने में हम उनको प्रेरित करते हैं। इस पखवाड़ा जो कि 14 सितंबर 2022 से 29 सितंबर 2022 तक चलेगा, इन दिनों में हम लोगों का प्रयास ये रहा है कि अधिक से अधिक हम प्रतियोगिताएं हिंदी को बढ़ाने के लिए हम आयोजित कर रहे हैं। और जिसमें हमारे जो प्रधान महाप्रबंधक श्री मनीष कुमार सर हैं, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में सबको प्रेरित किया है कि आप अधिक से अधिक सब लोग इसमें भाग लें और हिंदी की दिशा में जो भी हम अपना कार्य कर सकते हैं वो सब संपन्न कराएँ।